तीन महीने में तीन फिल्में, पहले चंद्रमुखी, फिर तेजस और उसके बाद इमरजेंसी। क्या कंगना फिर जमाएंगी बॉलीवुड में सिक्का? इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म देखने को हो जाइए तैयार। कंगना उड़ाएंगी प्लेन, हवा में दिखेगा तेजस का तेज। सियासत का सपना अधर में लटका तो क्या कंगना ने बदल दिया रुख? 10 सालों में सिर्फ एक फिल्म मचा पाई है धमाल। क्या कंगना रनावत फिर से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाली हैं? 2014 के बाद से कंगना का रुख बॉलीवुड से ज्यादा सियासत की ओर दिख रहा था। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि 2024 चुनाव में कंगना को बीजेपी से टिकट मिल सकता है, पर इस बात का भरोसा लगता है कंगना को नहीं है, इसीलिए बैक टू बैक फिल्मों पर मेहनत करने में जुटी है। सबसे पहले जानिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कंगना की कौन सी तीन फिल्में आने वाली हैं, उनकी कहानी क्या है, फिर बताते हैं कि इन फिल्मों से कैसे कंगना की सियासत का सपना सच हो सकता है। 19 सितंबर 2023 में कंगना की चंद्रमुखी 2 फिल्म रिलीज होगी, जो साल 2005 में रिलीज हुई रजनीकांत की हॉरर कॉमेडी चंद्रमुखी का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। कंगना इसमें राजा के दरबार में एक डांसर के रूप में दिखेंगी। 20 अक्टूबर 2023 में कंगना की तेजस फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में कंगना एयरफोर्स पायलट की भूमिका में दिखेंगी। फिल्म डायरेक्टर इसे देश की पहली एरियल एक्शन फिल्म बता रही है। कंगना ने इस फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें वो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर एयरक्राफ्ट से बाहर आती दिखाई दे रही हैं। नवंबर 2023 में कंगना की इमरजेंसी फिल्म रिलीज होगी, जिसमें कंगना इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखेंगी। इसकी कहानी आपातकाल के दौर की है। इन तीन में से 2 फिल्मों का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से है। तेजस कोरोना काल में ही रिलीज होनी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ती चली गई। खुद कंगना कहती हैं कि वर्दी में रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना होगा। हो सकता है कि वर्दी की यह कहानी कंगना के करियर में संजीवनी साबित हो जाए। हमारे देश के लोगों में सेना को लेकर जो सम्मान लोगों के दिलों में है, वो काफी अलग है। जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस देशभक्ति से जुड़ी कोई फिल्म करता है, तो देश उसे उम्मीद से ज्यादा प्यार देता है, और कंगना रनावत ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले तीन तरह की फिल्में एक साथ रिलीज कर अपनी मजबूत पैठ बनाना चाहती हूं। हालांकि एक संभावना यह भी है कि बैक टू बैक तीन फिल्में रिलीज होने के बाद बॉलीवुड की क्वीन कंगना एक बार फिर से अपना पुराना क्रेज हासिल करें, और खुद कंगना भी ये कहें कि बेशक लंबे वक्त बाद फिल्में की हों, लेकिन क्रेज वही पुराना है, क्योंकि कंगना को लंबे वक्त से हिट फिल्मों की तलाश है। साल 2022 में कंगना की धाकड़ फिल्म रिलीज हुई थी, जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। थलाइवी, पंगा और जजमेंटल का भी हाल यही रहा। मणिकर्णिका करीब 100 करोड़ के पास पहुंच पाई। 10 सालों का रिकॉर्ड देखिए तो कंगना की तनु वेड्स मनु रिटर्न ही सिर्फ 150 करोड़ कमा पाई है, बाकी उससे पीछे हैं। हालांकि हमारे देश में दर्शकों को हीरो केंद्रित फिल्में ज्यादा पसंद हैं, पर कंगना की जैसी फैन फॉलोइंग है, उससे ये साफ हो जाता है कि 36 साल की उम्र में भी कंगना रनावत बॉलीवुड में धमाल मचा सकती हैं। बैक टू बैक तीन फिल्में रिलीज करने के पीछे कंगना का और क्या प्लान हो सकता है? क्या पिछली फिल्में लेट हुई इसलिए एक साथ उन्हें रिलीज करना पड़ रहा है? यह बात सियासत से भी जुड़ी है। क्या आप भी कंगना की इस फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो हमें कॉमेंट में बताएं।